हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस प्लम के क्लिनजिंग बाम का मुझे कोई अफोर्डेबल क्लिनजिंग बाम खरीदना था तो मैंने दो तीन रिसर्च किया उसमें से मुझे एक प्लम अच्छा दिखा एक डॉटेन की का क्लिनजिंग बाम भी काफ़ी अच्छा है सो so गाइज़ इसको मैंने परचेस किया और अच्छा खासा यूज़ करा है तो मैं आज अपना रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है सो so गाइज़ इसको इसका जो पैकेजिंग है बहुत प्यारा सा टब काइंड ऑफ पैकेजिंग है बहुत ही प्यारा सा प्लास्टिक का पैकेजिंग है ट्रेवल फ्रेंडली है बहुत ईजिली आप कहीं पर भी अपने बैग वगैरह में रख सकते हो और इसका जो टैक्स्चर है ना इस बाम काइंड ऑफ जैसे लिप बाम का टेक्स्चर होता है ना उससे भी ज़्यादा थिक बाम काइंड ऑफ टेक्स्चर है और इसके साथ एक स्पैचुला आता है जो बहुत ही ईजिली आप स्कूप आउट कर सकते हो बाम को और अपने पाम पर लेके मेल्ट करके आपको अप्लाई करना होता है मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है तो पहले आपका जो फेस और हैंड ना पूरा ड्राई होना चाहिए वाटर नहीं होना चाहिए फिर आप थोड़ा सा स्कूप करेंगे स्कूप करके आप मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे गाइज़ यहाँ पर मैं एक क्लिप डाल रही हूँ सारे सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से रिमूव करता है तो मुझे चेक करना था कि ये मेकअप को अच्छे से रिमूव कर रहा है या नहीं तो इसमें मैंने पहले अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई किया और उसके बाद मैंने ये मेबलिन का लिपस्टिक अप्लाई किया सर ये मेबलिन का लिपस्टिक ना नॉर्मल अगर गार्नियर मास्लो वाटर से भी रिमूव करेंगे ना तो ईजिली बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है ये सुपर स्टे इंक वाला लिपस्टिक है ये चौबीस पच्चीस घंटे आपके लिप्स पर रहता है सो गाइज़ ये रिमूव करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है और मैं यही लिपस्टिक का टेस्ट कर थी मैं इस लिपस्टिक का टेस्ट इस क्लिनिक बाम से कर रही थी अगर ये लिपस्टिक को अच्छे से रिमूव करेगा इसका मतलब है कि ये सारे मेकअप को वाटर मस्कारा को भी अच्छे से रिमूव करेगा इसके वेबसाइट पे ये क्लेम करता है कि ये अच्छे से मेकअप को मेल्ट करता है एंड ये आपके फेस पे नॉन ड्राइंग है एंड वाटरप्रूफ मेकअप को भी रिमूव करता है सो गाइस यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मैंने अपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया है मैं क्लिप डाल दूँगी उसके बाद मैंने स्कूप किया थोड़ा सा क्लिनजिंग बाम और उसको अपने फेस पर अच्छे से मेल्ट किया एज़ यू कैन सी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से ये मेकअप को मेल्ट कर रहा है मेरे लिपस्टिक को बहुत अच्छे से मेल्ट कर रहा है एंड मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है इस पर पूरा मेकअप लिपस्टिक जो भी फाउंडेशन था कंसीलर था सब अच्छे से मेल्ट हो गया है इसके बाद आपको अपने पाम पे थोड़ा सा वाटर लेना है और उससे वाटर लेके अपने फेस पे अप्लाई करना है ताकि वो मिल्की वाटरी इमल्सिफ़ाई हो जाए वो मेकअप मेल्ट हो जाए और वाटर के साथ इमल्सिफाई होकर एक यू नो मिल्की जैसा टेक्स्चर देता है उससे आपके फेस को थोड़ा सा मसाज करना है को नॉर्मल पा, पानी से वॉश कर लेंगे यहाँ पर वॉश करने के बाद आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस पे कोई मेकअप नहीं है सारे मेकअप अच्छे से रिमूव हो गए हैं उसके बाद आप कोई भी फ़ेस वॉश लेंगे और अपने फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे सो गाइज यहाँ पे मैं मिनिमलिस्ट का एक्वापोरिन 5% परसेंट क्लेंजर लेकर मैंने फेस को वॉश किया तो जो फर्स्ट वॉश करके देखा ना तो मेरा फेस पे उतना ज़्यादा यू नो फोम नहीं बना इस फेस वॉश को मैं नॉर्मल अपने नॉर्मल फ़ेस पर यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा फोम देता है बहुत ज़्यादा नहीं देता है बट क्लेंजिंग बाम में काफ़ी ऑयल है उस वजह से मेरे फेस पे उतना ज़्यादा फोम नहीं हुआ सो फर्स्ट क्लिनजर के बाद मैंने दोबारा से एक बार जस्ट चेक करने के लिए फिर से मैंने एक बार फेस वॉश लिया और अपने फेस पे आ, अप्लाई किया और देखा कि कितना सा फोम बन रहा है मतलब कितना फ़र्क हो रहा है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था इसका मतलब है कि ये आपके मे मे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर दिया था और ऑयल वगैरह होने की वजह से फेस वॉश बेसिकली फेस वॉश बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई तो नहीं कर रहा इसलिए मैं वो चेक कर रही थी मेरा फेस वॉश स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं कर रहा था और मेरा काफी अच्छे से सनस्क्रीन मेकअप लिपस्टिक सब कुछ क्लीन हो गया तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला एक तो अफोर्डेबल है एंड दूसरा वो वाटर प्रूफ मेकअप या फिर मेबलिन वाले उस लिपस्टिक को अच्छे से क्लीन कर देता है सो so, बेसिक काम बहुत अच्छे से करता है एंड बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है तो so, बहुत लंबा चलने वाला है गाइस ये टब मुझे लगता है दो से ढाई महीने तो बहुत अच्छे से जाएगा इसका जो प्राइस है ऑनलाइन फोर लिखा था फॉर नाइन्टी ग्राम औरिजिनल प्राइज़ है फाइव फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल है गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स तो वेरी अफोर्डेबल वेरी इफेक्टिव बहुत अच्छे से फेस पे काम करता है और फेस पे कोई भी ना ड्राई नहीं है यू नो uh, you know, कोई भी बम्स नहीं आ रहे हैं मेरा स्किन काफ़ी सेंसिटिव नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और मेरे फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे मैं काफी श्योर sure हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये प्रोडक्ट सूट करने वाला है इट इज सल्फेट फ्री गाइज तो uh, ये उतना ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं है तो एक चीज़ मैंने चेक किया जब मैंने इसको आइस पे अप्लाई करते हुए लाइक आपने मस्कारा लगाया हुआ है तो उसको उसको रिमूव करने के लिए अगर आपने आइस पे अप्लाई किया है तो थोड़ा सा बर्निंग होता है बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल आइज ओपन ही नहीं कर पाएंगे एज यू कैन सी अगेन वो भी मैंने आज चेक करके क्लिप डाला हुआ है आइस पर अप्लाई करने के बाद मैं, मैं आइज़ को ओपन कर पा रही हूँ थोड़ा सा बर्निंग है बहुत थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है इसमें एक नेगेटिव है कि इसमें फ्रेगरेंस है ब्यूटीफुल सा फ्रेगरेंस है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा यू नो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका स्किन इरिटेट हो जाएगा वैसा कुछ भी नहीं होगा गाइज माइल्ड सा फ्रेगरेंस है वॉश ऑफ प्रोडक्ट है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके फेस को इसमें कुछ अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं उनका लिस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगी इट हैज़ वाइटमिन ई इट हैज शिया बटर कोकुम बटर एंड एट प्लांट डिराइव ऑयल्स यूज किया गया है जो कि फेस से मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन को काफी अच्छे से रिमूव करता है सनस्क्रीन सनस्क्रीन नॉर्मल को तो बहुत अच्छे से रिमूव करता है वाटर मेकअप को लिपस्टिक को मस्कारा को सबको बहुत अच्छे से रिमूव करता है सो so गाइज मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ट्रेवल फ्रेंडली है पैकेजिंग बहुत क्यूट है स्कूप के साथ आता है तो ईजिल आप यूज कर सकते हैं आपको पता होगा कि आपको कितना क्वान्टिटी यूज करना है so, काफी लंबा चलेगा एंड अफोर्डेबल है इजिली अवेलेबल है सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट और आपको अपने फेस को डबल क्लीन जरूर करना चाहिए नाइट स्किन केयर में तो जरूर 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 करना चाहिए गाइज सो so, आपको कोई भी क्लिंजिंग ऑयल क्लिजिंग बाम जो भी सूटेबल लगे आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं uh, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं सो so, गाइज ये था मेरा वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलन की वॉचिंग बाय बाय